वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। और फसल देता है ना बूढ़ा हुआ हो ना रिटायर हुआ हो, ये समस्याएं हमें पता है और अब तो मैं छुट्टा कहां हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भेज सकता हूं। केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही काट कर उनके बेटे को दे दिया गया हो, मगर उसके बावजूद भी उनके बयान सुर्खियों का हिस्सा बने ही रहते हैं। जहां पहले वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि शायद वो रिटायर हो गए हैं, मगर अब उनका एक और बयान सुर्खियों में है, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए एक तो अपनी तुलना छुट्टे सांड से कर दी और कहा कि ना तो वो बूढ़े हुए हैं और ना ही रिटायर हुए हैं। और अब तो मैं छुट्टा कहां हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भेज सकता हूं। दरअसल केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के डेहराज चौराहे पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आपके सुख दुख में शामिल रहूंगा और दोगुनी ताकत के साथ काम करूंगा। सांसद ब्रजभूषण यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने जनता को साफ तौर पर कह दिया कि अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। मुझे पता है कि करनैलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। क्या करिए, हम क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मन भी ढूंढ लगे नहीं है, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को अभी घर नहीं मिला है, हम देख रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे और केसरगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में वोट मांगा और कहा कि वचन देता हूं, ना तो बूढ़ा हुआ हूं और ना ही रिटायर हुआ हूं। पहले जितना आपके बीच में रहता था, अब उससे ज्यादा आपके बीच में रहूंगा। और आज मैं पुनः आप सभी लोगों का, जो आए हैं नहीं आए हैं, सबका हाथ जोड़ करके विनती करता और वचन देता न बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, न बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख के साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वो 33 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और उनके बेटे भी 33 साल की उम्र में ही सांसद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसरगंज की कमान अब फिर से युवाओं के हाथ में है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।